मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ आंखों का ड्रॉप डाला था तो उसका मुझे असर हो गया, उसके वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है, तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5% तो वो टिका रहा है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक 1ली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की, अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है, तो आरटी के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसके पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी दो बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं, उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल, जब से आप कितना आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको, बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती हाँ जी, है क्या? वहां आपके साथ बैठी हाँ है मेरे साथ क्या? में, आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज भेज, वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बिठाने। हाँ तो भेज देना। बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा, आपने सबने वैक्सीन ले लिया क्या, या कुछ भी जी, वैक्सीन ले लिया? सबने हाँ मैंने दोनों, वैक्सीनेशन करवा लिया या कुछ? हाँ जी दोनों वैक्सीन लिया मैंने, और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार ईद कैसी मनाई? रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया, हाँ, सबसे अच्छी तरह से मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाए। अच्छा, देखिए ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी, हाँ जी सर जी। हाँ, और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है, बहुत देखिए, बहुत मैं अच्छा लगा। अयूब जी आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूं। तो पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, हाँ रमजान भी जी, बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई, और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो, और बेटियों को डॉक्टर बनाना, और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। अरे अरे साहब, भरूच से दिल्ली। मेरा नाम अय्यूब इब्राहिम पटेल है, और आज उत्कर्ष मेले के दौरान आज पीएम मोदी से मेरी लाइव बात हुई थी, और बात करते करते मोदी साहब ने मेरी लड़के से बात की और मेरी लड़की रो पड़ी थी, और उसके साथ प्रधानमंत्री भी रो पड़े थे, और मुझे बहुत गर्व हुआ कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी भी हम छोटे जैसे नागरिकों के लिए इतना भावुक हो गए, और मुझे गर्व हुआ। और मुझे दिव्यांग पेंशन योजना है, इधर पेंशन मिल रहा है, और मुझे दोनों लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है पढ़ाई के लिए, और मुझे पूरे गुजरात में घूमने के लिए एसटी का पास मिला हुआ है एक सहायक के साथ, और ऑल इंडिया घूमने के लिए रेलवे का पास मिला हुआ है, और भी सारी, और प्रधानमंत्री अन्य योजना है इधर, मुझे कोरोना टाइम से अभी तक मुफ्त राशन मिल रहा है।
इसीलिए मैं मोदी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आलिया यू पटेल है, मैं 12th साइंस में पढ़ती हूँ। आज मैं मेरे पापा के साथ उत्सर्ग महोत्सव में गई थी, तब मैंने लाइव पीएम मोदी से बात की थी। तब बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए थे, तो मुझे बस यही कहना है कि पीएम मोदी जी हमारे जैसे सामान्य लोगों से बात करके हमारी तकलीफों को सुन के वो भी लागणीशील हो गए थे, तो थैंक यू। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो डॉक्टर बन के जो लोग हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ।